लाइटर हमारी जान है, शान है, ईमान है, कुरान हमारा जान है, शान है, ईमान है, कुरान ईमान है, कुरान हमारा शान है, जान है, ईमान है। वसीम रजवी हाय हाय, वसीम रजवी हाय हाय, वसीम रजवी हाय हाय, वसीम बदबक हाय हाय, वसीम रजवी को हाय हाय, वसीम रजवी फांसी दो, कुरान की दो फांसी दो, कुरान की बेरमत करने वालों को फांसी दो फांसी दो, रजवी को फांसी दो फांसी दो, रजवी को फांसी दो फांसी दो, शैतान को फांसी दो, इब्लीस को फांसी दो, इस लानती को फांसी दो, वसीम रजवी को फांसी दो फांसी दो, वसीम जानेमी को फांसी दो। देखिए, मैं वसीम रजवी को भरपूर मजम्मत करता हूँ अपनी पार्टी की ओर से, पूरे कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि उन्होंने जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को नाजिल किया है अपने कौम के लिए, अपने इस्लाम के लिए, इस्लाम कैसे मजबूत हो, मुसलमान कैसे ताकतवर हो, और उसमें कुरान में जो ज़िक्र है जहाद का लफ्ज़ जिसको वो कहते हैं, हमारे कुरान में ये लिखा है कि जहाद करो अपनी फैमिली के लिए, जहाद करो अपने माँ बाप के लिए, जहाद करो अपने आप के लिए, जहाद करो उस वतन के लिए जिस वतन में आप पैदा हुए हैं, जहाद करो उस मुल्क के लिए, जहाद करो उस मुल्क के लोगों के लिए जो मजलूमियत में फंसे हुए हैं, जो गुरबत में पड़े हुए हैं, उनकी मदद करो, ये जहाद है। इसका मतलब ये है। वसीम रजवी कहता है कि ऐसा है कि टेररिज्म को इससे जो है बढ़ावा मिलता है। मैं वसीम रजवी को कहना चाहूँगा, तुम अपनी नज़रिया से ये सोच रहे हो, ये गलत है। तुमको इस्लामी शरीयत के मुताबिक 200 कोड़े के आप हकदार भी हो और आप जो है जेल जाने के काबिल भी हो। हम जो हमारी पवित्र किताब है और कुरान के ही नक्श कदम पे हमारे विश्व में हमारे साइंटिस्टों ने कुरान का ही जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया उनका कुरान, उसमें लिखा है कि दुनिया कैसे चलेगा। और 26 आयतों की जिक्र की है, तो मैं कहता हूं कि उसमें भरपूर मजम्मत करनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। मैं यूपी सरकार से गुजारिश करूंगा हमारे योगी आदित्यनाथ को कि उसको जेल भरें ताकि यहां अफरा तफरी ना हो।